वज़ाइफ की भी जो रूह है वो असल में बंदे का रब से ताल्लुक है, और उस टूटे हुए ताल्लुक को बहाल करना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है आप किसी साहिब इल्म के पास जाते हैं और वो आपको कोई कुरानी वजीफ़ा, कोई अहादीस रसूल से, कोई सुन्नत के मुताबिक अमल बताते हैं और वो कहते हैं आप पंजगाना नमाज पढ़ें, आप कुरान मजीद की तिलावत करें, आप अपने आमाल का मुहासबा करें, गौर करें, किसी बहन या किसी बेटी का हक तो नहीं मारा, किसी रिश्तेदार को तंग तो नहीं किया, वो इस तरह जो है वो आपको गाइड करते हैं, तो जाहिर बात है इस पर इंसान की कोताहियाँ भी होती हैं। तो फिर वो कहता है जी हज़रत मैं इंशाल्लाह जो है वो नमाज़ पढ़ूंगा। अच्छा, वो जाता है 15 दिन नमाज़ पढ़ता है और फिर आ जाता है। वो कहता है जी आप तो देखें मैं 15 दिन हो गए नमाज़ भी कोई नहीं छोड़ी है लेकिन हालात तो फिर भी ठीक नहीं हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताएं क्या हमारी रब से कलमा पढ़ते वक्त ये डील हुई थी कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे हालात ठीक रहने चाहिए, हम इस्लाम कबूल करेंगे तो हमें टेंशन नहीं आनी चाहिए, हम तेरे रसूल का कलमा पढ़ेंगे तो हमारे घर में परेशानी कभी नहीं आनी चाहिए। ये तो 1400 साल में कोई डील नहीं है। आप तारीख़ मक्का उठाएं, तारीख़ मदीना उठाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया मेरे हुजूर ने किसी एक फर्द वाहिद से भी ये वादा नहीं किया था कि तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हारे आंगन में खुशियाँ आ जाएंगी, तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी, तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें कभी टेंशन नहीं आएगी, ये तो कहीं पर भी वादा नहीं हुआ था। मेरे हुजूर ने तो जब भी कहा अल्लाह अकबर, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने हुजूर की हालत देखी कि बान की चारपाई के मेरे महबूब इस्लाम की मुबारक कमर के ऊपर निशानात हैं, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर मैं उमर क्या हुआ, अर्ज़ की हुजूर कैसर व किसरा के बादशाह तो नरम बिस्तरों पे आराम करते हैं और आपकी ये हालत क्या आपके बदन पर इसके निशानात हैं। तो हुजूर मैं उमर क्या तुम पसंद नहीं करते कि इनको सब कुछ दुनिया में मिल जाए और हमारा रब हमें आखिरत में अता कर दे, हमें तो नजरिया ही दिया गया, तवक्कुल ही इस बात का दिया कि तुम्हारी आखिरत बेहतर होनी चाहिए। और हुजूर ने दुआ के हाथ भी उठाए तो हुजूर ने यही अर्ज की मालिक मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे, इनकी आखिरत बेहतर कर दे, हमें तो फोकस ही ये दिया गया, हमें तो वाजे कहा गया कि ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है और हमारी कहीं पर कोई डील नहीं है। और ये डील रखना, वो इकबाल अली रहमा ने कहा था ये सुदागरी नहीं इबादत खुदा की है, ये सुदागरी नहीं इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। इकबाल कहते हैं कि तूने हुजूर का कलमा पढ़ा है, तू रब की इबादत कर रहा है, तू नमाजों के इवज़ में ये चाहता है कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं। इकबाल कहते हैं ये सुदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। इकबाल कहते हैं जजा की तमन्ना जो नमाज के सिले में जो मिलना है वो भी तू ना मांग, क्योंकि ये इबादत है, ये कोई कारोबार तो नहीं है।